हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 3 माह के कोरोना पॉजिटिव बच्चे को ठीक होने पर भेजा गया उसके घर बस्ती। मंडलायुक्त ने संबंधित चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को दिया साधुवाद। बैठक कर चिकित्सा व्यवस्था और बेहतर बनाने के दिए निर्देश। लॉकडाउन के दौरान घरों में इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की रिपेयरिंग के लिए एसडीएम सदर ने लॉन्च किया नया पोर्टल। अब घरों पर जाकर मैकेनिक करेंगे रिपेयरिंग। एसएसपी ने किया आदर्श थाना गुलरिया और भटहट पुलिस चौकी का निरीक्षण। गोरखपुर महाराजगंज बॉर्डर पर बने नाकेबंदी का भी किया निरीक्षण। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला प्रशासन की पहल पर एसडीएम सदर ने शुरू किया रमजान स्पेशल पोर्टल। घर बैठे ही लोगों को मिल सकेगा खजूर, सेवई, शरबत, चिकन सहित अन्य खाद्य सामग्री। साहबगंज मंडी में सुबह 5 बजे से 7 बजे तक खुल रही है किराना की होलसेल की दुकानें। आवक की स्थिति पूरी तरह सामान्य, किराना कमेटी के अध्यक्ष ने दी जानकारी। आवश्यक वस्तुओं की ऑनलाइन सप्लाई के लिए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का पूरे देश में हो रही है सराहना। देश के लगभग 50 जिले अपना रहे हैं गोरखपुर मॉडल। रमजान के मौके पर डोर टू डोर फल पहुंचाने के लिए 224 ठेले धारकों को जारी किया गया पास। मंडी सचिव सेवाराम वर्मा ने दी जानकारी। ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को रविवार को एसपी ट्रैफिक ने ओआरएस का पैकेट किया वितरित। कहा रखें अपने जेब में, जब हो थकावट या डिहाइड्रेशन तो पी लें इसको पानी में घोलकर, बनी रहेगी एनर्जी। कोविड 19 को परास्त करने एवं विश्व कल्याण के लिए सदर सांसद रवि किशन ने किया हवन। किया वैश्विक महामारी से निजात पाने की कामना। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को राशन और भोजन पहुंचा रहा है जिला प्रशासन का कम्युनिटी किचन। एसडीएम सदर ने कहा 9450439754 नंबर पर करें संपर्क, मिलेगा राशन और भोजन। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा अपनी टीम के साथ 2 पहिया वाहन से निकाली गई जागरूकता रैली। मास्क, सैनिटाइजर एवं लंच पैकेट के वितरण के साथ साथ गलियों में रह रहे लोगों को किया जागरूक। रमजान को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर अलग अलग तरह के फलों को भी रखवा कर रवाना किया गया सब्जी की गाड़ियां। फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री ने दी जानकारी। और रविवार को भी महानगर की सभी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। अनावश्यक घूमने वाले लोगों को शहर के विभिन्न चौराहों पर 1-1 मीटर की दूरी के घेरे में बैठा कर दी गई सजा। नहीं मानने वालों की गाड़ियों को किया जा रहा है सीज़।